पत्रकार मित्रों का रांची जिला श्री कृष्ण जन्मोत्सव आयोजन समिति मोरहाबादी रांची के द्वारा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि 2016 से ही मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में यह कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित किया जाता रहा है। कोरोना महामारी के कालखंड में 2 वर्षों का ब्रेक जरूर लगा था, लेकिन इस वर्ष हम लोग इस आयोजन को पहले से बेहतर तरीके से 2 दिनों के उत्सव को मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। अभी समिति की प्रारंभिक बैठक हुई है और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 17 अगस्त और 18 अगस्त को 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में पहले दिन बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता 2 वर्गों में ये आयोजित होगा। बालक और बालिका दोनों के समान रूप से 0 से लेकर के 5 वर्षों तक के आयु वर्ग का और 6 वर्ष से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बालक और बालिकाओं के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता प्रथम पाली में मैदान में ही आयोजित किया जाएगा, जहां आकर के अभिभावक अपने बच्चों की प्रविष्टियां का पंजीयन करा सकते हैं। दूसरी पाली में 17 तारीख को ही बाल गोपाल एवं राधा प्रतियोगिता, देखो वहाँ देखो ना फोटो ले रहा है ना, बाल गोपाल एवं किया गया है, जिसमें 2 वर्गों में यह प्रतियोगिता होगी। 0 से लेकर के 5 वर्षों के बाल कृष्ण और बाल राधा का चयन किया जाएगा। दूसरे आयु वर्ग में 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बाल राधा और बाल कृष्ण का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 17 तारीख को ही संध्या 6:30 से लेकर के 7:45 बजे तक विधिवत रूप से इस श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम का 11 विद्वान पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शंखनाद के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा। और इस वर्ष हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आकर्षक झूलन भी हम लोग मोरहाबादी मैदान में लगाएंगे, जो बेहतर तरीके से साज सज्जा करके जो लोग, और इस पूरे कार्यक्रम पहले दिन में रासलीला मथुरा एवं वृंदावन के कलाकारों के द्वारा रासलीला का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ भजन संध्या में ख्याति प्राप्त कलाकारों के द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम का भी आयोजन होगा और तमाम कार्यक्रमों का लाइव टेलीकास्ट पूरे मैदान में किया जाएगा LED के माध्यम से, जिससे कि पूरे परिवारजन, चूँकि हमारे आयोजन का जो निहितार्थ है कि रांची जैसे जगह में परिवारजनों को एक धार्मिक उत्सव के रूप में हम लोग इसको मनाते आए हैं, जहां पूरा परिवार एक साथ बैठ करके इस उत्सव का आनंद लेता है और वहां पर्याप्त मात्रा में जगह भी है, और चूँकि लाइव टेलीकास्ट जो LED के माध्यम से होता है, उससे मैदान, जो बड़ा मैदान है ऐतिहासिक मैदान, उसमें कहीं से भी कोई बैठ करके इस पूरे कार्यक्रम का दृश्य अवलोकन कर सकता है। दूसरे दिन दही हांडी प्रतियोगिता जो लगातार हम करवाते आ रहे हैं, वो उसका आयोजन होगा। उसका भी महिला और पुरुष दोनों गोविंदाओं के बीच प्रतिस्पर्धा रखी गई है और उस प्रतिस्पर्धा में इस वर्ष हम लोगों ने जो पारितोषिक रखा है, दोनों महिला और पुरुष गोविंदा का समान रूप से प्रथम पुरस्कार 55,000 रुपया नगद, द्वितीय पुरस्कार 25,000 रुपया नगद, तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपया नगद, साथ में प्रमाण पत्र और पूरे टीम के लिए मेडल, और प्रोत्साहन राशि जो है वो तो हम दे ही रहे हैं। और पुरुष और महिला गोविंदाओं का जो पहला टीम रहेगा, जो पहला विनर रहेगा, उसको हम लोग गोल्ड मेडल भी देने का काम करेंगे। शुद्ध सोने का मेडल उन लोगों को दिया जाएगा, साथ ही साथ आकर्षक ट्रॉफी भी दिया जाएगा
और जो सबसे सुसज्जित, चूँकि ड्रेस कोड है, सभी टीम की जर्सियाँ, खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक गोविंदाओं की टीम में चाहे वो पुरुष हो या महिला हो 21 लोगों की अधिकतम संख्या रहेगी। सभी की उम्र सीमा 18 वर्षों से अधिक होनी चाहिए और कोरोना के टीकाकरण का प्रमाण पत्र भी देना होगा। उम्र का भी प्रमाण पत्र जो है वो उनके आधार कार्ड से हम लोग उसका छाया प्रति उसका सत्यापन कराएंगे। साथ ही साथ अनुशासन को लेकर के हम लोग बेहद गंभीर हैं। यह बात आप लोगों के माध्यम से भी गोविंदाओं के बीच में जानी चाहिए, चूँकि यह धार्मिक आयोजन है। किसी भी गोविंदा टीम में अगर कोई खिलाड़ी अगर मद्यपान करके भाग लेना चाहता है तो उसकी पूरी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जांच के दौरान अगर यह पाया गया और पूरे कार्यक्रम में दही हांडी की प्रतियोगिता के निर्णायक मंडली का निर्णय अंतिम होगा और वही मान्य होगा। चूँकि यह प्रतियोगिता खेल भावना से कराई जा रही है, इसको लेकर के आपको एक सत्यापन प्रति भी पूरी टीम के द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए हम लोग फॉर्म के रूप में लेंगे। फॉर्म जो प्रविष्टि राशि रखी गई है वो 3001 रुपया प्रति टीम के लिए रखा गया है। इसको दे करके 1 तारीख से हम लोग स्थान की घोषणा बाद में कर देंगे, उस दिन से आपको फॉर्म उपलब्ध रहेगा। 14 तारीख तक आपको फॉर्म जो है टीम के समक्ष हम लोगों के आयोजन समिति के पास जमा हो जाना चाहिए ताकि उसकी पूरी तैयारी कर ली जाए। और जो सबसे अनुशासित टीम रहेगा चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उस टीम को हम लोग ट्रॉफी देकर के सम्मानित करेंगे। आज के दिन यही विषय था। पहले दिन हम लोगों के जितने सम्मानित मंत्रीगण हैं वो उद्घाटन में रहेंगे और कार्यक्रम के दूसरे दिन अंतिम दिन पारितोषिक वितरण के दिन दही हांडी के दिन हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में लगातार वो 2016 से ही शिरकत करते चले आए हैं। इस वर्ष भी हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्होंने इस बात की सहमति दे दी है।